नमस्कार मित्रों, मैं देवेश पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2019 मीन राशि के जातकों का भविष्य कैसा जाने वाला है, इसको समझते हैं। मित्रों, इससे पहले मेरे एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूँ मित्रों, कृपया लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो समय रहते आप लोगों को मिल जाया करें। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अपन समझते हैं मीन राशि नवंबर 2019 ये माह प्रारंभ में आपको कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बनी रह सकती है, कार्यों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो ओवरऑल महीने के शुरुआत में मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। महीने का शुरुआत मीन राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 15 नवंबर के पश्चात स्थिति में सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं। 15 नवंबर के पश्चात स्वास्थ्य में भी सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बनने लगेंगे। जो भी समस्याएं चली आ रही है उसमें धीरे धीरे आपके सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं 15 नवंबर के पश्चात। सरकारी कार्यों में धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं मित्रों। यदि आप सरकारी कार्यों में से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये महीना आपको सरकारी कार्यों में धन लाभ हो सकता है। मित्रों, यदि आप गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा जाने वाला है। पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा होगा मित्रों तो ये महीना उसमें सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं। महीने के अंत तक पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा। मित्रों, यदि आप विदेशी वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो ये महीना इस आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए तो आप कर सकते हैं, आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा व्यापार करना। ये महीना आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति निर्मित हो सकती है। मित्रों, आप लोगों के लिए उपाय है, किसी अपाहिज व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन भोजन जरूर कराएं, इससे आपकी आने वाले अड़चने अपने आप समाप्त हो जाएगी और मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।